नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एक हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने थाने पहुंचे मुस्लिम महिला। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला सिविल लाइन थाने पहुंची और शिकायत पत्र देते हुए पुलिस को बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट में जहाँ एक महिला रहती है उसके आसपास ही शाहजहाँपुर निवासी एक हिंदू युवक को कुछ लोगों ने धर्मांतरण कर जबरदस्ती डरा धमका करके अपने पास रखा हुआ है और वह पीड़ित युवक इस जंगल से निकलना चाहता है। कुछ दिन पहले बिलाल नाम के उस युवक ने महिला से अपनी पीड़ा सुनाई थी। महिला ने जब उसकी आवाज़ उठाई तो वह युवक तब से लापता चल रहा है। शहजादी नाम की इस महिला के साथ हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र संवार और कार्यकर्ता भी सिविल लाइन थाने पहुंचे और लापता युवक की बरामदगी की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सीओसीटी कुलदीप सिंह ने बताया कि आज यह मामला संज्ञान में आया है, गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इस कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। जी शहजादी, शहजादी बताइए क्या मामला है, किस बात को लेकर आए हैं? जी मैं इस बात को लेकर आई हूँ, मैं अभी 2-2.5 महीने से काजियों के घर में रहने लगी थी सरवट में आगे, और उसमें वहाँ एक नौकर लगा रखा था। उन्होंने उस लड़के ने मुझे बतलाया कि मैं हिंदू धर्म का हूँ और भाभी मैं यहाँ से शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। इन्होंने मुझे भी मतलब ज़बरदस्ती ही रखा है यहाँ से और मुसलमान बना दिया और किसी भी तरह करके मुझे यहाँ से निकलवा। तो मैंने कहा बाबू मैं तो इस तरह नहीं कर सकती, लेकिन आया है कि मैं किसी से बातचीत करूँगी। उसके बाद अगले दिन फिर वो आया मेरे पास, उसने कहा भाभी मुझे मारने कह रहे हैं, उन लोगों को मुझे मारना चाह रहे। इसके पापा भी थे हमारे, मतलब इनके अब्बू भी थे बच्चों के, मैं भी थी हमारे से, मेरे से कहने लगा मुझे मारने कह रहे हैं। मैं मारने के नहीं, कुछ नहीं होने का, हमने रोटी वोटी बिंदी उसे 3-4 दिन से भूखा था, हमारे घर में रोटी वाटी भी खाई उनने, खाना वाना खा के उसे तसल्ली दे के हम तो चले गए। उसे उसके घर वहाँ भेजा बाहर घेर में और हम डॉक्टर के चले गए। वहाँ से आके देखा तो ना तो वो बिलाल है यहाँ से घर पर और ना ही क्या नाम कि हमारे घर में ताला लग रहा है, ताला लगा दिया तो उन्होंने। उसके बाद ना तो ताला खोल ले और ना ही क्या नाम कि रहे मैं सामान दे रहे। अब वो कह रहे, कहने लगे बिलाल भी तुम दोगे नहीं तो मतलब हमारे नाम लगा रहे, तो हमारा नाम लगा रहे कि तुमने उसे दम बताया, उसे उल्टा उल्टे सुलटे रास्ते दिए। ऊपर से ये कह रहे, कहने लगे कि तुम अगर किसी को बताओगे जब तुम गए, और अगर जो तुम कहीं पुलिस थाने में गए तो हमारे से ऊपर नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब सामान नहीं दे रहे मुझे, इधर से कह रहे कि अगर जो नौसाद मुझे मिल गया तो नौसाद कहीं भी मार देंगे हम। 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से मेरा जो है ना घर वाला घर में पड़ा, ना तो काम पे जा सकता ना वो कुछ कर सकता, क्योंकि वो निकल ही नहीं दे बारे से। बिलाल का नाम क्या था पहले? बिलाल का ये नहीं मुझे पता लगा कि क्या नाम था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था। क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, कहाँ है वो? बस उसका मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन ना उसने मुझे उस टाइम पर बतलाया था कि वहाँ भी मुझे गैप करने को कह रहे हैं। मगर कुछ नहीं होने का, तो टेंशन ना ले, वैसे धमका था क्या पता धमका रहा, मगर हम तो इसी उसमें थे, मगर धमका रहा होंगे इसका। कब से वो रह रहा था यहाँ पे? वो तो ये बतला था कि मैं सन 2013 में उठा लाए आ गया था इनके घर में, बस ऐसे ही किराए पर ले आया था कि उनको मैंने अपनी बात बता दी, मैं झगड़े में आया और उन्होंने मुझे मुसलमान बना दिया ज़बरदस्ती। कोई मैं किसी में थोड़े आया था, उनको मैं तो यहाँ से रहने के लिए आया था भाई, जब फंस गया मैं लड़ाई में तो कोई बात नहीं, लड़ाई में बात को लेकर आप यहाँ आए। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थाना सिविल लाइन में एक हिंदू युवक के धर्मांतरण के मामले को लेकर यहाँ थाने पर आए हैं। शहजादी नाम की एक महिला द्वारा हमें सूचना दी गई कि शाहजहाँपुर के रहने वाले एक हिंदू युवक को अब से 7-8 साल पहले थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सरवट गांव के कुछ दबंग किस्म के युवकों ने अपने घर पर रखा और फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके साथ उसे यातनाएं दी गई, उसका उत्पीड़न किया गया। और कुछ समय पहले जब उसने अपनी सारी बात शहजादी नाम की महिला को बताई तो उस महिला ने हमसे संपर्क किया और उन धर्मांतरण कराने वाले युवकों को यह जानकारी हो गई कि सुंदू युवक ने सारी बात शहजादी को बता दी है, तो उन्होंने उस लड़के को गायब कर दिया। और जो शहजादी नाम की महिला थी उनके पास पड़ोस में मकान लेकर किराए पर रह रही थी, उसके मकान पर भी ताला मार दिया जबरन और उन्हें घर से बाहर कर दिया। आज वो सड़कों पर दर दर की ठोके खा रही है। इस धर्मांतरण का भी खुलासा होना चाहिए क्योंकि इसमें भी कोई बड़ी साजिश की बुआ रही है और ये धर्म विरोधी देश विरोधी ताकतें हैं, इन सब पर बड़े स्तर पर यहाँ एक टीम का गठन हो। हम जिले के आला अधिकारियों से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर एक टीम गठित हो और इसकी गहराई से जांच हो, एक एक साक्ष्य जुटाए जाएं और जो गैंग इसमें सक्रिय हैं वो तुरंत सलाखों के पीछे होने चाहिए। लाइन थाना क्षेत्र का धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला?
ये एक शहजादी नाम की एक महिला हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जो कि सरवट की रहने वाली है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोई बिलाल नाम का लड़का है जो कि 7-8 साल से यहाँ रह रहा है, और इनके अनुसार जो इन्होंने बताया है कि शायद वो किसी अन्य समुदाय का रहने बिलोंग करता है, और 3 लोगों का उसमें नाम इन्होंने बताया है। इस पर हम लोग गहनता से जाँच कर रहे हैं, बहुत ही इसमें बहुत जल्दी हम इसमें जांच कंप्लीट करके जो भी अग्रिम कार्रवाई वो करेंगे। बताया जा रहा है कि बिलाल भी कई दिन से गायब है, जब से उसने इस महिला को बताया है। आज ही इसमें अभी मुझे भी अभी जानकारी हुई है, जस्ट 5 मिनट पहले ही, तो मैंने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें त्वरित कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं।